हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑटोमोटिव मास्टर्स। तो भाई आज हम बात करने वाले ऑल न्यू किया सोनेट 2021 के टॉप मोस्ट वेरिएंट GTX प्लस IMT वेरिएंट के बारे में। 7 कलर ऑप्शंस में आती है ये, इंटेलिजेंसी ब्लू, ऑरोरा ब्लैक, बीच गोल्ड, ग्रेविटी ग्रे, स्टील सिल्वर, इंटेंस रेड, क्लियर वाइट। ये स्टील सिल्वर कलर आप देख रहे हैं अभी। एंड भाई इसका कंपैरिजन हुंडई की वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी ब्रेजा एंड महिंद्रा की XUV 300 के साथ होता है। वहीं भाई बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की, तो वो आपको विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे। वहीं भाई चलते हैं फ्रंट में, तो यहाँ पे आपको मिलती है क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स विद LED DRL के साथ। यहाँ पे आपको हेलोजन प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिल जाती है एंड क्रोम फिनिश दी गई है इसके फॉग लैम्प्स में। एंड यहाँ पे मिलती है आपको सिग्नेचर फ्रंट टाइगर नोज ग्रिल। एंड यहाँ पे किया का लोगो दिया गया है। एंड अब आपको किया का अपडेटेड लोगो मिलता है, ये पुराना लोगो है किया का। एंड भाई काफ़ी स्टाइलिश एंड प्रीमियम फिनिश आती है इसकी फ्रंट से, काफ़ी स्टाइलिश लुक्स बनाए गए हैं किया सोनेट के। वहीं भाई कुछ ऐसे लुक्स आते हैं इसके साइड से। वहीं भाई चलते हैं नीचे की तरफ और बात करते हैं इसके टायर साइज की। इसमें आपको मिलता है 215/60 R16 के क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स विद रेड कैप्स के साथ। एंड भाई काफ़ी स्टाइलिश एलॉय व्हील्स लगते हैं। साइड में आपको रेड गार्निश मिल जाती है एंड ब्लैक एंड ग्रे फिनिश में बॉडी क्लैडिंग दी गई है। एंड यहाँ पे आपको फेंडर पे IMT की वेरिएंट की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे बॉडी कलर्ड ORVM मिरर विद टर्न इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVM मिरर मिलते हैं आपको इसमें। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन के साथ आती है ये। एंड साइड लुक कुछ ऐसी लगती है ये। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है पूरी विंडो लाइनिंग पे। एंड भाई कुछ ऐसा देखने में आता है इसके रियर लुक। यहाँ पे आपको काफ़ी स्टाइलिश एक्सटीरियर लुक्स बना के दिए गए हैं। भाई किया सोनेट लुक मोर वाइल्ड एंड एग्रेसिव एंड हैज एन इम्प्रेसिव डिजाइन। रोल बार स्टाइल रूफ मिलती है आपको इसमें। एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं LED हार्ट बीट स्टाइल टेल लैम्प्स, काफी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे GT लाइन की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको। एंड भाई ये कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको किया का लोगो एंड ऊपर की तरफ रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है विद गाइडेंस। यहाँ पे वाइपर, एंडी फॉगर, हाई स्टॉप माउंट लैम्प एंड ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना दिया गया है। एंड भाई काफ़ी स्टाइलिश लुक्स आते हैं इसके साइड से। एंड यहाँ पे सोनेट की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड भाई काफ़ी प्रीमियम लुक्स दिए गए हैं इसके। नीचे आपको डुअल मफलर डिज़ाइन दिया गया है एंड रेड लाइनिंग भी मिल जाती है जो कि भाई इसके लुक्स को काफ़ी इंक्रीज करती है। यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, रियर रिफ्लेक्टर मिल जाता है एंड डुअल मफलर डिज़ाइन। भाई बात करते हैं इसके सेफ्टी की, तो इसमें आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। एंड भाई 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है ये। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स मिल जाते हैं। 3 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी के साथ आती है ये। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। वहीं भाई बात करते हैं इसके बूट की, तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने में आता है इसका रियर लुक एंड कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट। यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए एंड यहाँ पे 2 लाइसेंस प्लेट की लाइट मिल जाती है। एंड भाई कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट। 392 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको यहाँ पे। यहाँ पे बूट लैम्प भी दी गई है एंड भाई काफ़ी स्पेशियस बूट बनाया गया है। यहाँ पे आपको एक स्पीकर भी मिल जाता है, वो उसका प्रीमियम साउंड स्पीकर मिलते हैं आपको इसमें। एंड भाई काफ़ी प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम दिया गया है इसमें। एंड यहाँ पे आपको 195/65 R15 साइज़ का स्टील रिम मिलता है आपको स्पेयर व्हील में। एंड भाई काफ़ी स्पेशियस बूट स्पेस बनाया गया है इसका। यहाँ पे रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है। फ्रंट में MacPherson स्टड विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है एंड रियर में कपल टॉर्जन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग दिया गया है। वहीं बात करते हैं डायमेंशन की, तो वो आपको विजिबल हो रही है स्क्रीन पे। 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस है इसका। यहाँ पे आपको यूवो कनेक्टेड ऐप्स मिल जाती है। 58 फीचर्स मिलते हैं आपको इसमें यूवो ऐप में। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स दिए गए हैं एंड भाई काफ़ी प्रीमियम डोर्स बनाए गए हैं इसमें। एंड कुछ ऐसा देखने में आता है इसके रियर डोर का लुक, ऑल ब्लैक डोर दिया गया है। एंड वहीं यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। आगे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है। वहीं भाई नीचे पावर विंडो के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल एंड यहाँ पे आपको रेड लाइनिंग मिल जाती है, रेड स्टिचिंग दी गई है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम एंड यहाँ पे बॉटल होल्डर। एंड भाई कुछ ऐसा देखने में आता है इसके इंटीरियर कैबिन का लुक, लेदर सीट अपहॉल्स्ट्री मिलती है एंड सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं। एंड यहाँ पे रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है। वहीं भाई सेंटर की तरफ आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स के साथ। एंड भाई काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर बनाया गया है इसका। यहाँ पे आपको रेड स्टिचिंग देखने को मिल जाती है एंड भाई काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स बनाई गई है इसकी। रियर में आपको बेंच फोल्डिंग सीट्स मिलती है। वहीं भाई चलते हैं अंदर की तरफ और बात करते हैं इसके लेगरूम की,
तो भाई काफ़ी डिसेंट स्पेस मिल जाता है आपको इसके लेग रूम में। एंड भाई स्पेस की कमी तो होने नहीं वाली इसमें आपको। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा देखने में आता है इसके इंटीरियर कैबिन, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ऊपर में रीडिंग लैम्प दी गई है येलो कलर में। एंड भाई नीचे की तरफ आपको स्मार्ट एयर प्योरीफायर सिस्टम मिल जाता है, 2 AC वेंट्स दिए गए हैं, एक USB का पोर्ट एंड थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। एंड भाई ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड आपको सीट में पॉकेट्स भी दी गई हैं। एंड भाई कुछ ऐसा देखने में आता है इसके फ्रंट कैबिन का लुक, काफ़ी प्रीमियम एंड लग्जीरियस फिनिश में बनाया गया है कि यह सोनेट का इंटीरियर कैबिन। एंड भाई काफ़ी प्रीमियम लगता है ये इसका इंटीरियर, ऑल ब्लैक सिंगल टोन ब्लैक फिनिश में इंटीरियर बनाया गया है इसका। बात करते हैं इसके टेलीमेटिक्स की, तो इसमें आपको मिलता है रिमोट कार फ्लैशिंग एंड हॉकिंग वाया ऐप, जियोफेंस, ओवर द एयर अपडेट, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, कार लॉक अनलॉक वाया ऐप, इमरजेंसी कॉल एंड फाइंड माई कार, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स दिए गए हैं। एंड भाई कुछ ऐसा देखने में आता है इसके फ्रंट डोर का लुक, ऑल ब्लैक डोर दिया गया है, प्रीमियम डोर लगता है काफ़ी। एंड यहाँ पे फ्रंट ट्विटर की प्लेसमेंट, सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स, यहाँ पे ORVM के कंट्रोल, लॉक अनलॉक एंड पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, एंड्रॉइड स्टिचिंग मिल जाती है, एंड सॉफ्टनेस दिया गया है आपको यहाँ पे। वहीं भाई नीचे की तरफ बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है, एंड बॉटल होल्डर भी मिल जाता है आपको यहाँ पे। एंड भाई कुछ ऐसा देखने में आता है इसके इंटीरियर कैबिन का लुक, एंड कुछ ऐसी दिखती है इसकी फ्रंट ड्राइवर सीट, यहाँ पे आपको सेपरेट हेडरेस्ट दिया गया है, GT Line की ब्रांडिंग मिल जाती है, एंड रेड फिनिश में स्टिचिंग दी गई है, साइड में एयरबैग की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड भाई यहाँ पे आपको मिलती है फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स एंड काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स दी गई है, 8-way मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है आपको इसमें, यहाँ पे फ्यूल ओपन करने के लिए लीवर, यहाँ पे 2 pedals मिल जाते हैं क्योंकि ये IMT ट्रांसमिशन है, यहाँ पे हुड ओपन करने के लिए लीवर, यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन के बटन, पार्किंग सेंसर के बटन, हेडलाइट लाइट एडजस्टर। एंड यहाँ पे आपको मिलती है पियानो ब्लैक फिनिश में AC वेंट्स, काफ़ी प्रीमियम AC वेंट्स लगते हैं। एंड भाई काफ़ी अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है किया सोनेट का। भाई चलते हैं अंदर की तरफ, और भाई कुछ ऐसा देखने में आता है इसके इंटीरियर कैबिन का लुक, एंड कुछ ऐसा दिखता है इसका स्टेयरिंग व्हील, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलता है आपको यहाँ पे, एंड रेड स्टिचिंग में दिया गया है ये। एंड भाई काफ़ी स्पोर्टी फिनिश आती है इसके स्टेयरिंग व्हील में, एंड डी कट स्टेयरिंग व्हील मिलता है आपको इसमें, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको सिल्वर फिनिश दी गई है, GT Line की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड भाई डी कट से काफ़ी स्पोर्टी लगता है ये, यहाँ पे किया की ब्रांडिंग, एयरबैग्स की ब्रांडिंग, यहाँ पे ऑडियो एंड मीडिया के कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल एंड MID के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर के कंट्रोल। भाई कुछ ऐसे देखने में आता है इसका डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट में RPM मीटर, राइट साइड फ्यूल गॉज, एंड बीच में आपको MID मिल जाती है जिसमें आपको स्पीड शो करता है। एंड भाई यहाँ पे आपको कनेक्टेड पैनल मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में, एंड यहाँ पे आपको मिलती है 10.25 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले विद इनबिल्ट नेविगेशन के साथ, 6 speaker विद USB ऑक्स एंड ब्लूटूथ ऑप्शन के साथ आती है ये, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले का ऑप्शन भी मिलता है आपको इसमें, यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर, 2 AC वेंट्स, यहाँ पे आपको 360 व्यू का कैमरा, यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स के बटन मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है जो कि भाई काफ़ी सही है, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, USB का पोर्ट एंड चार्जिंग पोर्ट, एंड यहाँ पे स्पेस मिल जाती है आपको। एंड भाई ये है इसका 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन IMT गेयरबॉक्स, यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी गई है, 2 cup होल्डर्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको हेडरेस्ट भी मिल जाता है, आर्मरेस्ट दिया गया है, एंड सॉफ्ट टच मिलती है आपको इसमें, एंड काफ़ी डिसेंट स्पेस मिल जाती है आपको इसमें, एंड यहीं पे आपको स्मार्ट एयर प्योरीफायर मिल जाता है। एंड कुछ ऐसी दिखती है इसकी फ्रंट पैसेंजर सीट, काफ़ी प्रीमियम सीट्स लगती हैं इसकी, एंड वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं, 6-way मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स दी गई हैं यहाँ पे। एंड भाई यहाँ पे आपको सिंगल टोन ब्लैक इंटीरियर दिया गया है, एंड फुल व्यू आता है इसके डैशबोर्ड से। भाई बात करते हैं ग्लोव बॉक्स की, तो भाई डिसेंट स्पेस का ग्लोव बॉक्स मिल जाता है आपको यहाँ पे, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील एंड गियर नॉब दिया गया है इसमें। एंड भाई यहाँ पे आपको मिलता है ऑटोमेटिक डे एंड नाइट IRVM मिरर, एंड भाई ऊपर की तरफ आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है, वहीं ऊपर की तरफ आपको रीडिंग लैम्प मिल जाती है, एंड भाई येलो फिनिश में दी गई है, यहाँ पे व्हाइट लाइट दी जा सकती थी, यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल मिल जाते हैं, ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ मिलता है विद वॉइस कमांड के साथ। वहीं भाई बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको मिलता है G1 liter TGDI पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 118 BHP एंड 172 Nm पावर का टॉक, एंड भाई 18.3 km पर लीटर का माइलेज ऑफर करती है ये, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। भाई बात करते हैं इसके डीजल इंजन की, तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 99 BHP एंड 240 Nm पावर का टॉर्क,
24.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर करती है ये। डीजल में आपको बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किए जाते हैं, पेट्रोल में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है एंड भाई डिफरेंट ड्राइव मोड्स एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं आपको इसमें। एंड एट लास्ट, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।